नहीं दोस्तों, आज है मेरे पास NS पल्सर 125 BS6 वाला वेरियंट है। प्रूफ तरफ आपको दिखा दूँ, देख सकते हैं यहाँ पे फ्यूल पंप का कपलर है, इससे ये डिटेक्ट प्रूफ हो रहा है कि BS6 की गाड़ी है। और देख सकते हैं काफ़ी NS में आपको अलग मोटिव देखने को मिल रहा है। अगर यहाँ एक बात आपको खास बात ध्यान देना होगा, देख सकते हैं रेक्टिफायर जो है यहाँ पे कुछ इस प्रकार से इनबिल्ट किया गया, देख सकते हैं कंपनी रिकमेंडेड। और आज की इस वीडियो में प्रॉब्लम जो बात करने वाले हैं, इसका जो जैसे इसका इंसुलेटर छोड़ देता है, अगर चलिए प्रॉब्लम दिखाते हैं कि ऑन हो गया, जैसे बंद हो जाता है, इसी को प्रॉब्लम को दूर करना था। सबसे पहले इसका जो टैपिड है, दोनों को अच्छी तरह से एडजस्ट, टाइम टू टाइम इसको जैसे गाड़ी जो ड्राइव करने के बाद इसका जो निश्चित समय होता है वो अगर नहीं कराए कि जिसका जो टैपिड जो है नहीं कराएं, फर्स्ट सर ये तीसरा सर्विस में आपको टैपिड जो है दोनों को एडजस्टमेंट कराना पड़ेगा, तब जो टाइमिंग जो इसका जैसे थ्रॉटल है बंद नहीं होगा। तो चलिए इसका कपलर जो हटाते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं।